माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा नियुक्ति पत्र और एक एक तलवार सू नेहा मुंडा, ये पांचवा नाम नेहा मुंडा, जोरदार तालियां से राजी की नेहा मुंडा को इस समय नियुक्ति पत्र और साथ ही साथ उपहार स्वरूप एक एक तलवार सू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को। और अब मैं आमंत्रित करूंगी अनिमा एक्का को। सर को जोहार, नमस्ते। मेरा नाम अनिमा एक्का, मैं चतरा जिला की हूँ। मैं आप सबों के बीच, मैं तमिलनाडु में कुछ हम लोग के बारे में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उसके बारे में हम कुछ बोलना चाहते हैं। हम सभी श्री हेमंत सोरेन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें नहीं लगा था कि हम सब इतनी जल्दी अपने घर आ पाएंगे, क्योंकि अक्सर सरकारी कामों में देर होती है, मगर श्री हेमंत सोरेन सर की सरकार ने हमारी परेशानियों को सुनने के तुरंत बाद भी हमें झारखंड लाने के लिए उचित व्यवस्था की एवं संकुल हमें अपने घर तक पहुंचाया। साथ ही हमें झारखंड में किशोर स्पोर्ट्स में रोजगार की व्यवस्था भी कराया गया। झारखंड से बाहर हर कर काम करने में बहुत तरह की परेशानियां आती है, जैसे भाषा में परेशानी, खाने पीने की परेशानियां, ओवर टाइम, परिवार वालों की याद आती है, तबीयत खराब होने पर देखने वाला कोई भी नहीं होता, भेदभाव भी किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में हमारे झारखंड में किशोर स्पोर्ट की तरह कुछ और कपड़े की फैक्ट्रियां झारखंड में आए, जिसे रोजगार की अवसर बढ़े और हमें काम करने के लिए झारखंड के बाहर ना जाना पड़े। एक बार पुनः श्री हेमंत सोरेन सर को बहुत बहुत तहे दिल से समर्पित कर रहे हैं जोरदार तालियां आपकी तरफ से। हमारी आशा है। और अब जब आज के इस समारोह में हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति है, आज के समय में शुभकामनाओं के शब्द, आशीर्वाद के शब्द सुनने के लिए हम बेताब हैं सर। हम आपसे निवेदन करते हैं आपके आशीर्वाद। आज यहाँ प्रोजेक्ट भवन के सभागार में एक नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हुए एक और कदम हमारी प्रवासी बच्चियों को रोजगार देने के पहल के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ मंच पर राज्य के मुख्य सचिव, उद्योग विभाग के सचिव, यहाँ उपस्थित उद्योग जगत से जुड़े हुए सभी व्यापारी सहयोगी और विशेषकर अपना जीवन यापन के लिए घर परिवार का भरण पोषण करने के लिए रोजगार की तलाश में भटकते भटकते दूसरे राज्यों में जा चुकी हमारी राज्य की बच्चियां आप सभी का मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करते हुए दुहार करता हूं। जैसे कि आपको अभी पता चला कि बड़ी संख्या में
इस राज्य से लोग रोजगार की तलाश में विभिन्न राज्यों में लोगों का आवागमन होता रहा है। संयोगवश ये सारी स्थिति आज के इस वैश्विक महामारी जब देश में हुई, आज इस वैश्विक महामारी की वजह से मजदूरों के बीच में जो डर और भय का माहौल बना और जिस तरीके से मजदूरों को अपने अपने घरों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, तभी शायद राज्य सरकार को इस बात का ध्यान आया कि इतने बड़े पैमाने पर झारखंड से लोग पलायन करते, कमोवेश कुछ राज्य ऐसे हैं इस देश में जहां पर मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है। झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, इन सब क्षेत्रों से कुछ विशेष रूप से कुछ जरूरत से अधिक लोगों की पलायन होते रहे हैं और इसका आंकड़ा जब हमने देखा तो हम भी काफ़ी आश्चर्य हुए और उस दिन से ही रोजगार कैसे यहाँ लोगों को मिले इस पर कार्य योजना पर हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया। सरकार ने कोरोना संक्रमण में भी कई सरकारी योजनाएं हम लोगों ने प्रारंभ किया था जिसके सहयोग से लाखों लोगों को हम लोगों ने रोजगार भी उपलब्ध कराया। क्योंकि गरीबों के साथ कई सारी मजदूरियां हैं, कोरोना के संक्रमण में अगर वो घर में रहते हैं तो उनको भूखा मरना पड़ेगा और संक्रमण में बाहर निकलते हैं तो संक्रमण से मरना पड़ेगा। ऐसे स्थिति में उनके लिए आगे कुआं है तो पीछे खड्डा है। संघर्षमय जीवन हमेशा से गरीबों का रहा है और ये राज्य वैसे तो सोने की चिड़िया के नाम से लोग जानते हैं लेकिन खनिज संपदा को ही लेकर के अक्सर इस राज्य के विषय में चर्चा होता रहा है और खनिज संपदा के इर्द गिर्द ही रोजगार को थोड़ा प्रोत्साहन मिला। जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने इस विषय पर कुछ अध्ययन किया और हमने ये सुनिश्चित की कि हम खनन के अलावा हम इससे अलग हट करके कुछ ऐसे रोजगार और ऐसे व्यवस्था स्थापित करें यहाँ पर जहाँ पर लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। आज इस कड़ी में बहुत सारे लोगों का हमारे राज्य में अभी सवाल उठते हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, प्रवासी मजदूर आके भटक रहे हैं। हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग से तीन तीन चार चार योजनाएं प्रारंभ कर रखी हैं। अभी कल परसों ही शहरी श्रमिक योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया है जहां कोई भी व्यक्ति आवेदन देगा सरकार को 15 दिन के अंदर
उसको रोजगार देना इसकी बाध्यता। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग माध्यम से लोगों को एंगेज करने की एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और उसी क्रम में आज हमारे इस राज्य में कार्यरत जो टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों ने सरकार के साथ कदम से कदम चलने का एक काफी सराहनीय योगदान आज दिया है। आज किशोर एक्सपोर्ट के माध्यम से जो तेलंगाना में, तमिलनाडु में जो हमारी 22 बच्चियां वहाँ काम कर रही थी और वो किस हालात में थी, मुझे लगता है ये बयां करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश प्रदेश है, अपना राज अपना राज होता है। और अपने राज्य में उनको रोजगार पाना इनके लिए निश्चित रूप से बहुत खुशी का आज दिन है और हमारे लिए भी खुशी का दिन। और इसके लिए किशोर एक्सपोर्ट को मैं बहुत बहुत अपनी ओर से आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ में अरविंद मिल्स ने भी आज राज्य सरकार को 1,00,000 N95 जो ये मास्क है ये उपलब्ध कराया है। इनको भी हम बहुत अपने ओर से धन्यवाद प्रकट करते हैं। और सरकार ने एक लक्ष्य के साथ इस दिशा में आगे बढ़ने का काम किया है और इस कपड़ा उद्योग में आने वाले कुछ दिनों में अभी जो 22 बच्चे हैं इनको जो रोजगार प्राप्त हुआ है, इस क्षेत्र में लगभग 8,000 लोगों को जोड़ने का एक निर्णय है। और ये भी बहुत खुशी की बात है, आज के इस संक्रमण में गरीबों को और हमारे मजदूरों को सहायता प्रदान करने हेतु आज जो बच्चियां यहाँ नियुक्ति पत्र ले रही हैं, जो उनको रोजगार से जोड़ा जा रहा है, इसमें 1 महीने का एडवांस भी शायद दिया जा रहा है जो मुझे जानकारी दी गई है। ये भी मैं कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और 10,600 रुपये प्रति माह मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अभी अर्थव्यवस्था को ध्यान में देखते हुए ये बहुत चुनौती भरा वक्त भी गुजर रहा है। व्यापारी वर्ग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आगे अर्थव्यवस्था जब पूरी तरीके से पटरी में आएगी तो आपके सहयोग से, आपके क्षेत्र से अधिक रोजगार सृजन कैसे हो, इस पर निश्चित रूप से सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। और अभी तो शुरुआत है, आज यहाँ पर पलामू से, चतरा से, गुमला से, हजारीबाग से, रांची से सभी बच्चियाँ हैं, सबसे अधिक लातेहार की बच्चियाँ हैं। और हमने भी जब ये संक्रमण तेजी से फैल रहा था, कई व्हाट्सएप
फेसबुक हमने देखे, बच्चियों के भी कई देखे, हम लोगों ने अपने वार रूम के अंदर उन सब को फॉरवर्ड किया और बहुत तेजी से अपने मजदूरों का रेस्क्यू भी हम लोगों ने किया, ट्रेनों के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से। कुछ लोग छुटे, कुछ लोग बड़े पैमाने पर तो हम लोग लाने में सक्षम हुए। और मुझे लगता है कि संक्रमण में जिस तरीके से हम लोगों ने विगत 7-8 महीने बिताए, ऐसे पिछड़े राज्य में जहां बहुत सारी चीजों का अभाव है, इस पिछड़े राज्य में भी कोरोना संक्रमण के बीच में भी हमारे इस राज्य में किसी भी तरीके का आप देख रहे होंगे कोई बहुत उथल पुथल या बहुत हाई तोबा नहीं मचा, सभी कुछ शांतिप्रिय तरीके से हम आगे धीरे धीरे राज्य को ले जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि सभी लोगों के सहयोग से इस संक्रमण से भी राज्य को बाहर निकालेंगे। और हमारे इस नई पहल के लिए हम अपनी बच्चियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्मृति चिन्ह आज के दिवस की तमाम स्मृतियां संजोकर ये स्मृति चिन्ह आपको। नाम सीमा कुमारी है। वहाँ पे कैसे ले जाया गया था, किस तरीके से आप लोग वहाँ रहते थे और हेमंत सरकार ने किस तरीके से आपके वहाँ पर। हम लोग यहाँ SGRS कंपनी में मतलब ट्रेनिंग लिए थे। यहाँ के बाद फिर हम लोग वहाँ तमिलनाडु भेजा गया था ट्रेनिंग के बाद। उसके बाद वहाँ हम लोग काम किए तो फिर बहुत मतलब हम लोग को परेशानी होने लगा लॉकडाउन के चलते, फिर नहीं आने सके, छुट्टी नहीं मिला। उसके बाद फिर वो हो गया, फिर रहने के लिए सब अच्छा ही था, पर खाना पीना अच्छा था, बट परेशानी थी कि काम हम लोग को ज़्यादा मतलब ओवर टाइम करवाया जाता था और मतलब अच्छा से पैसा नहीं मिलता था। और खाना में मतलब कि हम लोग का झारखंड में अच्छा खाना मिलता था, वहाँ खाटा मिलता था मतलब खाने पीने के लिए, तो उसके चलते मतलब तबीयत खराब हो जाता था, और तबीयत खराब हो जाता था तो भी वहाँ काम करना पड़ता था। कैसे इन लोगों की आप लोगों ने कुछ गुहार की थी, किसी ने विज्ञप्ति दिया था इन लोगों को कि हाँ हमें हम यहाँ प्रॉब्लम में हैं, कैसे इन लोगों को पता चला, आप लोगों को यहाँ तक कैसे लाए? मतलब घर में मतलब फोन हाँ घर वालों के से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे। रांची डिस्ट्रिक्ट। यस। बच्चियाँ और हमारे सभी टेक्सटाइल से जुड़े लोग, उद्योग विभाग के सभी पदाधिकारी। सर, आज का कार्यक्रम जो सर के दिशा निर्देश पे रखा गया है, वे मुख्यतः तीन चीज़ें शामिल है। पहले कि हम लोगों के यहाँ जो तमिलनाडु में एक वस्त्र कंपनी में कुछ लड़कियों से जबरन कार्य कराया जा रहा था और उनको वेजेस भी टाइम पर नहीं दिया जा रहा था और ओवर टाइम भी, वो खुद अपनी कहानियाँ बताएंगी, उनको रेस्क्यू करके जो लाया गया है सर, उनको यहीं पर मैसेज किशोर स्पोर्ट्स के द्वारा और जो हमारी अपैरल एसोसिएशन है के द्वारा नियुक्ति पत्र सर दिया जाएगा। दूसरा सर, एक छोटी 2 मिनट की वीडियो है कि झारखंड में वस्त्र उद्योग और उसमें किस तरह से स्पेशली जो सर के निर्देश पर माइग्रेंट लेबर्स हमारे वापस आए हैं,
उनको कैसे कैसे उद्योग विभाग के साथ में सामंजस्य करते हुए हम लोग अगले 2 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा का नियोजन करेंगे। तीसरा सर, यहाँ पर एक लाख N95 मास्क का सर यहाँ पर लेटर ऑफ इंटेंट का ये दिया जाएगा सर। आज हम लोग सांकेतिक रूप से एक बॉक्स मास्क का देंगे और फिर NHM में रवि शुक्ला जी के पास स्वास्थ्य विभाग में वो उपलब्ध कराए जाएंगे। सर, सर के आदेश पर सर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं आग्रह करूँगी कि सीधे राशि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और अब बताएं आपको कि झारखंड में वस्त्र उद्योग की जो संभावनाएं हैं, इसमें नियोजन की जो संभावनाएं हैं, इससे संबंधित एक वीडियो हमने तैयार किया है। आइए इस वीडियो पर एक नजर डालते हैं। झारखंड राज्य में रोजगार सृजन काफी मायनों में हो सकता है। झारखंड के 100 ट्रेनिंग सेंटर्स की छात्रा बनाऊंगी। झारखंड के प्रवासी श्रमिकों में से 1 लाख कपड़ा व्यापार में ही निर्भर करते हैं। झारखंड में कपड़ा उद्योग बनता है तो 2 लाख श्रमिकों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि NCR क्षेत्र में देखा जाता है, जो कि वास्तव में 2-3 गुना अधिक हो सकता है। झारखंड में वर्तमान कपड़ा इकाइयाँ जो कार्यरत हैं उनमें 95% श्रमिक झारखंड के हैं और आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। हमारे प्रवासी मजदूरों को बाहर काफ़ी परेशानियाँ थी। अभी 2 हफ्ते पहले ही 22 लड़कियों को परेशानी सामने आई, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में तुरंत हल की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड में कपड़ा उद्योग स्थापित करने के लिए हम आपके आशीर्वाद, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए अनुरोध करते हैं। संपूर्ण भारत आपको एक महान एवं गतिशील लीडर के रूप में जानता है। आपकी दूरदर्शिता झारखंड को एक नए समृद्ध युग में ला सकती है। हम कपड़ा उद्योग के प्रतिनिधि ये खुशियों का इजहार है हमारी तालियों के रूप में। अनिमायिका, आप उधर से आएंगे? नियुक्ति पत्र और साथ ही साथ एक एक सलवार सूट प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इस समय अनिमा एक्का जो कि चतरा जिले से है और वापस लौट कर बेहद खुश है। जोरदार तालियों इनकी खुशियों में हम सभी शामिल हैं। इनके बाद आएंगी नीपू कुमारी। इनके बाद आएंगी उमा कुमारी। तालियां आपकी तरफ से जोरदार होती है। ये खुशियों का मौका है जब वापस घर को लौटी है हमारी घर की लड़कियां और वापस इन्हें नियोजित किया जा रहा है। नियुक्ति पत्र और साथ ही साथ एक सलवार सूट। प्रमिला कुमारी,